का मेन कोर्स आ चुका है, ठीक है। जो फर्स्ट में आप देख सकते हैं ये मसाला कुलचा जो काफ़ी सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं, बताइए गाइज इतना सॉफ्ट मसाला कुलचा। और गाइज ये है बटर पनीर ना, बटर पनीर मसाला। और वेलकम बैक टू माय चैनल, कहते हैं आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइज आ चुके हैं हम और एक न्यू फूड ब्लॉग लेकर। काफ़ी ज़्यादा साउंड आपको आता होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ी पास हो रहा है। गाइज अभी हम हैं बीएनआर में। बीएनआर में कहाँ पे? वो बैरल हाउस, जैसा कि आप देख सकते हैं बैरल हाउस में है। तो आज बैरल हाउस को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। और एक चीज़ बताना चाहते हैं, बैरल हाउस और नीलांजना एक ही है, जस्ट बगल में है नीलांजना। तो नीलांजना का भी आपको एम्बियंस दिखाएंगे कि कैसा है क्या है। तो आज नीलांजना और बैरल हाउस का मीनू कार्ड जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। दोनों एक ही आदमी का है, दोनों अगल बगल है, आप किसी में भी आ सकते हैं। दोनों का रिव्यू आज आपको मिलेगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। और कैमरा का क्वालिटी कैसा है बताइएगा। फाइनली आज हम न्यू फ़ोन ले लिए हैं, आज है धनतेरस, तो सबको सबसे पहले हैप्पी धनतेरस। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अंदर, देखते हैं आज क्या क्या ट्राई करते हैं सब कुछ। और मेरा साथ है आज फिर से अनलिमिटेड टाइम पर शिवम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? जरूर से भाई को सपोर्ट कीजिए, भाई के साथ मेरा बहुत सारा वीडियो आ चुका है और फ्यूचर आने वाला है। तो गाइस चलिए एक ही बार चलते हैं अंदर और फिर आपको सिनेमेटिक्स दिखाते हैं, एम्बियंस दिखाते हैं कैसा है। सो गाइस आप देख सकते हैं बैरल हाउस का एम्बियंस, कितना ही लाजवाब एम्बियंस है इसका। ये छोटा सा रेस्टोरेंट है पर इसका एम्बियंस काफ़ी खूबसूरत है, मतलब ऑसम है इसका एम्बियंस। आप देख सकते हैं छोटा सा रेस्टोरेंट है पर इसका एम्बियंस काफ़ी अच्छा है। आपने एम्बियंस देखा, मतलब क्या ही एम्बियंस है इनका, बहुत अच्छा एम्बियंस है। और हम लोगों ने अपना ऑर्डर दे दिया है, तो फिर जब आता है तब फिर मिलते हैं, दिखाते हैं हम लोगों ने क्या क्या ऑर्डर किया है, ठीक है। तो फिर आपको मिलते हैं। फर्स्ट स्टार्टर आ चुका है, ठीक है। हम बोलेंगे भाई को दिखाने के लिए, ये है पनीर चिल्ली, ठीक है। और देख सकते हैं कितना अच्छा है सजाया, आपने सिनेमैटिक्स में देखा ही। और बगल में है चिकन का आइटम, क्रिस्पी चिकन, ठीक है, क्रिस्पी चिकन इन ऑस्टर सॉस, ओके। सो मुंह में देखते ही पानी, यार इसका स्मेल एवन लेवल का आ रहा गाइस। तो अब बारी है ट्राई करने का फर्स्ट बाइट का, ठीक है गाइस। आज है धनतेरस, सो गाइस हम नॉनवेज ट्राई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं अपने लिए भेज ऑर्डर किया हूँ और शिवम खाएगा चिकन, ठीक है। बगल में चिकन है पर खा नहीं पा रहे, हम कुछ नहीं मानते, हम सब खा रहे। अरे सही है यार, नहीं मानना चाहिए, पर खैर चलो जो है शुरू से मानते आए हैं। तो चलिए देखते हैं कब तक मान सकते हैं, एक फूड ब्लॉगर कितना दिन तक मान सकता है पता नहीं मुझे, पर अभी तक पर मान पा रहे मान पा रहे। सो चलिए ट्राई करते हैं। चलो भाई शिवम स्टार्ट किया जाए, एकदम काफ़ी मस्त लग रहा है ये देखने में। सो गाइस और हमारे कैमरामैन जो भैया उनके मुंह में पानी आ रहा, तो हम लोग जल्दी से शूट करके भाई कैमरामैन को भी बोलते हैं खाने के लिए, क्या शिवम? कैमरामैन जो है अभी स्पेशल गेस्ट आपको हाँ। मिलेगा बाद में। सो प्लीज देखिए गाइस, चेज नहीं कर सकते हैं, कहें कि दोनों भाई अलग अलग है, दूर से बस बस बस। सो चलिए क्या करते हैं, हाँ प्राइस बता रहे, एक सेकेंड, 170 ऑसम टेस्ट गाइस, अलग ही लेवल है गाइस, एवन लेवल। 170 रुपीज़ में कहाँ पता ये कितना पीस है, तो गिनना पॉसिबल नहीं। छः पीस नहीं है, छः पीस ज़्यादा है, पनीर छः पीस है, छः पीस है। तो गाइस छः पीस है, प्राइस 170 रुपीज़, और ये 200 रुपीज़, मतलब काफ़ी जेन्युइन प्राइस है एकदम। हम पहले ही बोला था आपको कि यहाँ प्राइस के मामले में आपको नहीं सोचना होगा, आप आराम चाहिए। हम यहाँ गाइस आए थे, अपना फ्रेंड लोग का 5 फ्रेंड आए थे और यहाँ तक खाए थे गाइस। बिल कितना होता पता है?
1500 रुपया यहाँ तक खाए थे इस एम्बियंस में, इतना अच्छा रेस्टोरेंट में, तो क्या ही बोले। चलिए खा जाए। कैसा लगा शिवम चिकन? लाजवाब है। अरे मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ ये चिकन, क्रिस्पी चिकन, ठीक है? बहुत ही मतलब बहुत ही क्रिस्पी है और टेस्ट तो A1 है। मज़ा आ गया, मतलब काफ़ी सही है गाइस। सो चलिए फिर नेक्स्ट आइटम जब आता है मिलते हैं। मेन कोर्स आ चुका है, ठीक है? जो फर्स्ट में आप देख सकते हैं ये मसाला कुलचा जो काफ़ी सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं, बताइए गाइस इतना सॉफ्ट मसाला कुलचा। और गाइस ये है बटर पनीर, ना बटर पनीर मसाला। और बगल में चिकन ढकेल दिया है, और सॉरी कढ़ाई पनीर, सॉरी गाइस कढ़ाई पनीर, हाँ इसको कुछ पता नहीं होता है, कढ़ाई में है कढ़ाई पनीर, ठीक है? बटर चिकन इधर खा रहा है इसलिए बटर पनीर निकल गया मुझसे, ठीक है? तो जो भी हो, तो ये था आज हम भेज खा रहे गाइस, पता है अभी भेज ही चलेगा मेरा, ठीक है? लेकिन साइड से चिकन खा रहा है, ये सब झूठ बात है, झूठ बात है, ठीक है? मेरा प्लेट देख लीजिए गाइस एकदम साफ है, अभी ये भी भेज है, उसका प्लेट उधर रखा हुआ है पीछे चिकन वाला, भेज है ये। ये क्या है भाई? भेज सेजवान, सेजवान पुलाव फ्राइड राइस, भेज सेजवान फ्राइड राइस। इसका प्राइस कितना था? 130 रुपीज़ गाइस। और ये मसाला कुलचा जो आप देखे इतना सॉफ्ट, इसका प्राइस गाइस ओनली 60 रुपीज़ है, ठीक है? और ये तो कढ़ाई पनीर, इसका प्राइस है 170 रुपीज़। सो चलिए ट्राई करने के बारे है, ट्राई करते हैं, ठीक है? शिवम तो ढकेले जा रहा है, कोई बात नहीं, ढकेलो भाई ढकेलो, चलो हम भी ढकेलते हैं अब। इस टाइम फॉर योर फर्स्ट बाइट। हाँ भाई, अच्छी समझ अभी मारा ही आपको। सो तो गाइस चलिए ट्राई करते हैं। टेस्ट पनीर कढ़ाई का टेस्ट ओके है, पर गाइस मसाला कुलचा ओके नहीं, ओके से बढ़ के है। मसाला कुलचा गाइस काफ़ी सही है इनका, मतलब मात्र 60 रुपये में, हम तो कहीं कहीं मसाला कुलचा का प्राइस 80 रुपीज़ भी देखे हैं, तो इसका गाइस काफ़ी सही है, हम तो बोलेंगे टेस्ट वाइज ओके है। चलिए और एक बाइट लेते हैं। मसाला कुलचा में देखिए गाइस क्या क्या भरा पनीर है, भेजी सर क्या बहुत है। तो कुल मिला के बोला जाए कि यहाँ खाना हम लोग को बहुत अच्छा लगा इस प्राइस रेंज में, क्या अफोर्डेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल। अगर इसको भी ट्राई करेंगे, पर पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, क्या कहते हम इतना बड़ा बड़ा नहीं ख़त्म कर पा रहे, तो क्या करेगा। चिकन कैसा लगा पहले बताओ? बटर मसाला चिकन जबरदस्त था, टेस्ट A1 था, और कुलचा जो है कुलचा सही था। तो गाइस आप यहाँ पे भेज आइटम भी ट्राई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे अभी तक पसंद आया स्टार्टर इनका जो चिली पनीर था, A1 था, और मुझे चिकन का जो आइटम था, और गाइस उसमें 8 पीस था, ठीक है? उसमें 8 पीस था, ये जबरदस्ती कर रहा था मेरे साथ, 8 पीस था उसमें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट आइटम में, मतलब इसको जब इसको ख़त्म करके मिलते हैं। सो गाइज हम लोग का लास्ट आइटम आ चुका है, जो कि है भेज सेजवान राइस, ठीक है? सो चलिए ये लोग पहले भाई लोग जो थे वो ट्राई कर चुके हैं, रिव्यू कुछ अच्छा आया है, एवरेज सा आया है, शिवम को अच्छा लगा है, शिवम ही पहले बोला ये ट्राई करने के लिए, शायद पहले ही ट्राई किया हुआ था, ठीक है? तो चलिए ट्राई करते हैं, ऐसे हमको राइस उतना पसंद नहीं है, वो भी डिनर के टाइम में, तो थोड़ा सा ट्राई करके आप लोग बता देते हैं, जो लोग राइस पसंद करते हो, जो लोग को ज़्यादा पसंद हो, सो एक्जैक्टली ट्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए है जो लोग राइस लवर है भेज प्लस, ये तो भेज है आज गाइस, हम खाली भेज, हमको आप कमेंट मत करना भाई, तुम भी बस नॉन वेज खाता है आज भाई, खाली भेज खाए हैं, क्या ही बोले अब अपना दुख दुख नहीं गाइस, यहाँ भेज खाना काफ़ी अच्छा था, बहुत मज़ा आया खा के। सो
तो हम हल्का सा चिकन रखे क्योंकि सूखा सूखा हमको तो एकदम अच्छा है। चिकन बोल रहे सॉरी अरे भाई साहब पनीर गाइस पनीर चिकन है चिकन हल्का सा पनीर भी रखे हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं एक बार बस ये हल्का सा बस ऐसे ट्राई करते हैं देखते हैं। लवली लवली जैसे का इसका नाम है शेजवान इसमें शेजवान सॉस लग रहा है डाला गया है सॉस या मसाला जो भी होता है वो डाला गया हूँ इसलिए उसका उसका सर फ्लेवर आ रहा सही है। जो लोग शेजवान ये सब खाना पसंद करते हैं शेजवान सॉस ये सब उसके लिए एकदम सही है। तो चलिए ये कढ़ाई पनीर के साथ मिक्सअप करके ट्राई करते हैं। पढ़ाई करने के साथ ये ज़्यादा मुझे बेटर लग रहा है ये ऐसे भी हम खाते नहीं है ये सूखा सूखा हमको इसके साथ ग्रेवी चाहिए ही होता है चाहे वो बिरयानी ही क्यों ना हो बिरयानी में भी हम अलग से चिकन का ग्रेवी ले लेते हैं। तो सही है और गाइस इसका प्राइस है 130 रुपीज़ काफ़ी रिजनेबल है ये एक जन के लिए तो बाप रे बाप एक जन नहीं खा पाएगा भाई पूरा भी राहुल भैया ही ख़त्म करेगा पॉसिबल नहीं हम फिर हमको कहाँ लेके घूमते अपने साथ कि कुछ भी घटे भरे संभाल लिया हूँ बस ये अभी खत्म नहीं कर पाएगा भैया खत्म कर चुका है लेकिन बाकी पूरा भैया खाएगा बोल कुछ भी घटे भरे सब कोई जानता है कि शिवम ही खत्म करता है क्या सो झूठ बोल रहा है ये शख्स झूठ बोल और एक बात गाइस आपने मेनू कार्ड देखा प्राइस काफ़ी रीजनेबल है और अभी हम आपको ले चलेंगे नीलांजना में वहाँ का कुछ सिनेमेटिक छोटा सा दिखाएंगे ठीक है वहाँ का भी आप एम्बियंस देख लीजिए कैसा है क्या है बाकी खाना तो सेम है आप यहाँ बैठ के खाइए या वहाँ बैठ के खाइए बाकी खाना सेम है। तो चलिए अभी फिर निरंजना में मिलते हैं। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं निरंजना के अंदर और आप देख सकते हैं इसका एम्बियंस काफ़ी अच्छा है और ये बैरन हाउस से काफ़ी बड़ा है जबकि दोनों एक ही रेस्टोरेंट है दोनों में खाना सेम मिलता है दोनों का मेनू कार्ड सेम है पर गाइस एम्बियंस के मामले में भाई निरंजना काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है ये मतलब देख सकते हैं आप तो काफ़ी अच्छा एम्बियंस है गाइस। तो कमेंट कर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा इसका एम्बियंस कैसा है सब कुछ और गाइस मेनू कार्ड का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं मेनू कार्ड सारा हम दे दिए रहेंगे उसमें आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और काफ़ी रिजनेबल प्राइस है गाइस। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय टाटा।